नवदीप कौर मामले च एक केस च नवदीप कौर नू जमानत मिल गई है। जी हाँ, अगले हफ्ते तक जेल तो रिहा हो सकती है नवदीप कौर। दिल्ली कमेटी प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस संबंधी जानकारी दी है। नवदीप ते दर्ज एक केस ते कल सुनवाई होगी। एक होर केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। दस दिए कि किसान अंदोलन दौरान नवदीप कौर नू गिरफ्तार किया गया सी ते पुलिस वल्लों नवदीप कौर के उपर तशद्दुद दीआं खबरां भी सामने आ रही सी, जिस तों बाद लगातार नवदीप कौर सुर्खियां च बनी हुई है। उधर DSGMC की लीगल टीम को सफलता मिली है। जी हाँ, लाल किला हिंसा मामले च दो होर लोगों को जमानत मिल गई है। गुरमुख सिंह ते जीत सिंह को जमानत मिल गई है। 70 ते 80 साल के यह दो बजुर्ग हैं जिन्होंने जमानत मिली है। दोवें साबका फौजियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सी। तुहानू दस दईए 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा तो बाद कई अजिहे लोग ने, कई अजिहे किसान ने जो कि लापता ने, कईयों को गिरफ्तार कर लिया गया, पर DSGMC वालों बकायदा तौर पर लीगल टीम का गठन किया गया इन्हां तमाम लोगों को सहायता देने के लिए। तो अज एक वड्डी होर सफलता मिलती विखाई दी, जब होर दो लोगों को जमानत दे दी गई है। उधर नवदीप नू मिली जमानत ते हरसिमरत कौर बादल ने खुशी का प्रगटावा किया। उन्होंने वालों ट्वीट करके लिखा गया कि यह जान के खुशी हुई कि नवदीप कौर नू एक केस च जमानत मिल गई है। 26 जनवरी की घटना च गिरफ़्तार दो साबका फौजियां गुरमुख सिंह जी संगरूर तो जीत सिंह जी फतेहगढ़ साहब तो, इन्हों दिल्ली कमेटी की लीगल टीम दियाँ कोशिशों सदका जमानत मिल गई है। गुरु साहब बेकसूरों नुकसान तो बचा, यह ट्वीट किया गया हरसिमरत कौर बादल वालों।